विदेशी बाजार में तेजी के साथ ही घरेलू बाजार में प्रतिकूल मौसम की मार से कपास उत्पादन अनुमान में गिरावट आने की आशंका से कॉटन की कीमतें घरेलू मंडियों में बढ़कर 60,000 से 61,000 रुपए प्रति कैंडी, जिसमें एक कैंडी 356 किलो के स्तर पर पहुंच गई है। जानकारों के अनुसार चालू सीजन में उत्पादन अनुमान में भारी कमी आने की आशंका है, लेकिन उद्योग का मानना है कि उत्पादन पिछले साल की तुलना में बढ़ने का अनुमान है। कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया CAI के अनुसार चालू फसल सीजन में कई राज्यों में बेमौसम बारिश और पिंक बॉल वर्म से फसल को नुकसान तो हुआ है, लेकिन अब मौसम साफ हो गया है। ऐसे में उम्मीद है कि फसल सीजन 2021-22 में कपास का उत्पादन 350 से 360 लाख गांठ होने का अनुमान है, जिसमें एक गांठ 170 किलो की होती है। महाराष्ट्र कॉटन जीनस एसोसिएशन के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह राजपाल के अनुसार महाराष्ट्र की फसल की स्थिति अच्छी है तथा चालू सीजन में राज्य में कपास का उत्पादन करीब 95 लाख टन होने का अनुमान है, जिसमें से राज्य की मिलों में करीब 81 लाख टन आएगी तथा 14 लाख टन पड़ोस के क्षेत्रों में जाने का अनुमान है। कपास के दाम तेज बने हुए हैं, इसलिए किसान तीसरी और चौथी पिकिंग तक फसल की खेत में रख सकते हैं। वहीं ओम प्रकाश जैन कर्नाटक कॉटन एसोसिएशन के अध्यक्ष के अनुसार राज्य में इस साल कपास की बुवाई पिछले साल के बराबर ही हुई है। हालांकि बारिश अच्छी होने की वजह से इस साल पैदावार बेहतर रहने की उम्मीद है। कर्नाटक में कपास का उत्पादन लगभग 24 से 25 लाख गांठ होने की उम्मीद है। इंडियन कॉटन एसोसिएशन लिमिटेड के अध्यक्ष मुकुल देव तायल के अनुसार पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के उत्तरी क्षेत्र में कपास की बुवाई लगभग 17 लाख हेक्टेयर में हुई है। कपास उत्पादक क्षेत्रों में ज्यादा बारिश से उत्तरी क्षेत्र में फसल को नुकसान होगा, खासकर हरियाणा में। उन्होंने बताया है कि पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में कपास का उत्पादन लगभग 52 से 53 लाख गांठ होने की उम्मीद है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि अगर आने वाले दिनों में मौसम की स्थिति में सुधार बना रहा है तो उत्पादन लगभग 52 से 55 लाख गांठ भी होने की उम्मीद है। वहीं सौराष्ट्र जीनस एसोसिएशन के अध्यक्ष अरविंद पान के अनुसार ताजा बारिश से गुजरात में कपास की फसल को उतना नुकसान नहीं हुआ जितना अनुमान लगाया जा रहा था। उन्होंने बताया कि कई क्षेत्रों का दौरा किया और फसल की स्थिति बहुत अच्छी पाई। चालू खरीफ में राज्य में करीब 95 से 100 लाख गांठ होने का उत्पादन का अनुमान है। वहीं मध्यांचल कॉटन जीनस एंड ट्रेडर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष मंजीत सिंह चावला ने बताया कि मध्य प्रदेश में कपास का उत्पादन पिछले साल के 18.5 लाख गांठ के करीब ही होने का अनुमान है। साथ ही राज्य में कपास की क्वालिटी भी इस साल बहुत अच्छी ही रहने की संभावना है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।